नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता स्वरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी साथियों सेकंड ग्रेड के जीके पेपर के बारे में। जैसा कि कल के वीडियो में आपको दोनों पेपरों का तुलनात्मक अध्ययन करके बताया था, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का, आज मैं फर्स्ट ग्रेड पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ जीके के लिए भी और हिंदी के लिए भी, कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था और आप क्या पढ़ सकते हो। जितना मुझे पता था उतना मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेरा अनुभव था वो मैं साझा कर चुकी हूँ। ज़्यादा अगर मेरा खुद का कुछ पढ़ा हुआ नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसा क्या है। मेरा जो अनुभव है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं बात करूँगी सेकेंड ग्रेड के जीके पेपर के बारे में कि कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, और आप उसके लिए आपको बुक बताऊँगी, मैंने क्या पढ़ी थी वो भी बताऊँगी। सेकेंड ग्रेड जीके में जैसे कि कुल 100 प्रश्न आते हैं साथियों, 200 अंक के। सेकेंड ग्रेड के जीके में मनोविज्ञान जीके के साथ आता है, वहीं फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान जो विषय के साथ आता है। फर्स्ट ग्रेड में 75 प्रश्न आते हैं जीके में, सेकेंड ग्रेड में 100 क्वेश्चन आते हैं। और जो फर्स्ट ग्रेड का विषय का पेपर होता है उसमें 120% तो विषय के आते हैं और 30% वहाँ मनोविज्ञान के आ जाते हैं। वहीं सेकेंड ग्रेड में 20 से 30% शिक्षण विधियों के आते हैं विषय के साथ, तो और मनोविज्ञान जो है वो सेकंड ग्रेड में जीके पेपर के साथ आती है और जीके पेपर 100 क्वेश्चन का होता है। इसमें साथियों सबसे अधिक अंक बार तो होता है हमारे अपने राजस्थान का, लगभग 40 क्वेश्चन लगभग क्या पूरे ही 40 क्वेश्चन राजस्थान से आते हैं। और 10% अगर समसामयिकी वाले जोड़ दें करंट के, वो भी सेकंड ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट जीके पूछा जाता है। तो करंट के भी जोड़ दें तो राजस्थान से 50% हो जाते हैं। तो 100 प्रश्नों में से यानी आधा अंक बार तो आपके राजस्थान का ही हो गया। तो सबसे पहले यही कहूँगी, आप राजस्थान का जो मैटर है उसको आप बहुत अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। फिर बताऊँ साथियों आपको, जैसे अलग अलग बताऊँ तो राजस्थान का भूगोल है 9 से 10% कवर होते हैं वहाँ से, और अब भूगोल चेंज भी हो गया है तो आप उसके अनुसार तैयारी करें। फिर राजस्थान इतिहास के आते हैं 11 से 12%, यानी ये साथियों 11-12 बोल रही हूँ तो ये 11 भी हो सकते हैं या 12 भी हो सकते हैं, 1% इधर से उधर हो सकता है, फिक्स नहीं है लेकिन लगभग रेशियो यही रहता है। कला संस्कृति में आते हैं 8-9%, राजस्थान की राज व्यवस्था से आते हैं 9-10%, और समसामयिकी हो गई, समसामयिकी से यानी करंट के तो 10 क्वेश्चन फिक्स हैं। तो कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चन हो गए साथियों। इन 50 क्वेश्चनों के लिए आपको बताऊँ तो राजस्थान का भूगोल के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक पढ़ लीजिए, वो अच्छी बताई जा रही है। मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मैंने सफल लोगों से सुना है, हरिमोहन सक्सेना की किताब अच्छी आती है राजस्थान भूगोल की। वही राजस्थान भूगोल की नोट्स टाइप में भी नेहरू सर ने भी निकाले हैं। तो फिलहाल राजस्थान में ज्योग्राफी के बेहतरीन लेक्चरार भी हैं, खुद व्याख्याता हैं वो ज्योग्राफी के, नेहरू सर, वास्तव में उनका मैटर बहुत अच्छा होता है। तो आप वो किताब भी ले सकते हो, उनकी भी आजकल बच्चों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है उस किताब को। तो आप राजस्थान का भूगोल के लिए हरिमोहन सक्सेना या नेहरू सर की बुक ले सकते हैं। वही मैंने तो जैसे आपको बताया था सेकंड वो जो नोट्स बना रखे थे मैंने, तो उन्हीं से मैंने मधुसूदन सर जो ज्योग्राफी के टीचर हैं जिन्होंने उत्कर्ष पे करा रखा था राजस्थान का भूगोल, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे उन वीडियो से, तो मैंने तो वही पढ़े थे। फिर राजस्थान का इतिहास की पवन बहोरिया सर हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी आती है। और कला व संस्कृति और इतिहास इन दोनों के आप संयुक्त रूप से लेना चाहो तो हुकुमचंद जैन व नारायण लाल माली की एक बुक आती है जो मैंने खुद भी पढ़ी है, सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ी थी। फर्स्ट ग्रेड में भी कुछ टॉपिक थे हिस्ट्री के, वो पढ़े थे मैंने। तो राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास दोनों के लिए आप हुकुमचंद जैन की भी ले सकते हो, या फिर राजस्थान इतिहास अकेले की पवन बहोरिया सर की भी ले सकते हो। राजस्थान राज व्यवस्था से 9-10 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए डॉक्टर जनक सिंह मीणा की किताब आप ले सकते हो। समसामयिकी के लिए साथियों यूट्यूब का करंट के लिए कोई एक चैनल पर देखा करो आप, और इसके अलावा चाहे तो मंथली आती है क्रोनोलॉजी वो ले आओ, या फिर से 2 मंथ से आती है मूमल वो ले लो। मैंने तो मूमल पढ़ी थी द्विमासिक, उससे बहुत प्रश्न भी आए थे तो आप वो भी ले सकते हो। इसके बाद बात करें तो 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के, 50% तो साथियों राजस्थान के हो गए, 20% आएंगे मनोविज्ञान के। तो मनोविज्ञान के लिए साथियों जैसे कि धीर सिंह दाबाई सर प्रसिद्ध हैं, उनकी आप किताब भी ले सकते हो, या फिर उनका आप वेब पर कोर्स वगैरह ले सकते हो, या वंदना जादौन मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, या फिर कलाम पर विवेक सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, उनमें से आप किसी से भी साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। मैंने तो सेकंड ग्रेड के लिए अलग से नहीं पढ़ा था, जैसे फर्स्ट ग्रेड की
मनोविज्ञान के लिए मैंने अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था, उसी के नोट्स बनाए थे मैंने, तो उनको ही बार बार अजय चौधरी सर कहा करते थे कि उनको ही घोट लो, तो मैंने तो उनको ही घोटा था उन नोट्स से ही। और उस इसके अलावा मेरे पास अवनी पब्लिकेशन की एक समग्र मनोविज्ञान नाम से किताब आती थी पहले, बहुत पहले, उसके बाद तो बहुत सारे नए अंक आ गए। वो भी किताब थी मेरे पास जो मैंने रीट के लिए पढ़ी थी कोरोना काल में, उसी किताब से मैंने कुछ टॉपिक पढ़े थे, बाकी मैंने अजय चौधरी सर के नोट्सों को ही घोट डाला था। और साथियों रही बात अजय चौधरी सर की, तो उनको तो मैं भी बहुत मिस करती हूँ, आप सब भी पूछते हैं, लेकिन कहाँ पता लगाएं, क्या करें, उनकी तो आवाज़ ही उनकी पहचान थी, हमने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं था। अपने आवाज़ के दम पर ही वो लाखों विद्यार्थियों के दिलों में राज करते थे। और एक बात वो हमेशा कहते थे, कुछ भी पढ़ाते समय उनकी पढ़ाने का तरीके का तो कोई सानी है ही नहीं, कि मेरे कुछ भोले भाले बच्चे ऐसे भी हैं। तो साथियों उनके उन भोले भाले बच्चों में एक मैं भी शामिल थी, बहुत बार उनकी याद उनको याद करते हुए साथियों भावुक हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, कोई कुछ भी बताने के का कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा उनके बारे में, पता ही नहीं वो तो कहाँ है, किस हाल में है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव जहाँ कहीं भी हों सही सलामत हों स्वस्थ हों, और बहुत जल्द हमारे लिए वीडियो लेकर आएँ, हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा उनका अंतिम वीडियो आया था हमारा 23 जुलाई का, रीट पात्रता के जो पेपर था 23 जुलाई 2022 में, उसके अगले दिन उनका एक वीडियो आया था। उसके बाद से यूट्यूब पर उनका कोई वीडियो नहीं है, ना ही टेलीग्राम चैनल पर वो अपडेट है, और ऐप पर ज़रूर वो सितंबर तक सक्रिय थे, यानी उन्होंने हमारे कुछ टॉपिक बचे हुए थे, कोर्स ले रखा था वो करवाए थे सितंबर तक, उसके बाद का नहीं पता साथियों, 2022 के सितंबर तक मान सकते हो, उसके बाद 1.5 साल हो गई उनका कुछ पता नहीं है। तो मैंने तो साइकोलॉजी उनसे पढ़ी थी, और वही नोट्स मैंने सेकंड ग्रेड में भी पढ़े थे, कुछ टॉपिक अलग थे वो मैंने अवनी पब्लिकेशन से पढ़े थे। तो साइकोलॉजी के लिए साथियों मैंने बता दिया, आप कोई एक चुन सकते हो। फिर बात करें जैसे 50% राजस्थान के हो गए, 20% साइकोलॉजी के हो गए, 70% हो गई, अब बचे 30%, उसमें से विश्व भूगोल के 5% आते हैं साथियों, महाद्वीप महासागर और प्रमुख जल संधियाँ, ये सारे के सारे आते हैं। इसके लिए एक एस के ओझा सर की पुस्तक आती है NCERT बेस, वो आप ले सकते हो। मैंने तो विश्व भूगोल के थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसके बाद थोड़ा समय बचा, उसमें मैंने नेव रिसर्च करवाते थे मिशन मास्टर नाम से, उन्होंने यूट्यूब पर चलाया था, उससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे थोड़े से, और मैंने कहीं से पढ़ा नहीं था अलग से। भारत का भूगोल के 5% आएंगे, उसके मेरे पास नोट्स थे, एक बार सेकंड ग्रेड के टाइम पर मैंने कोचिंग की थी 2-2.5 महीने, तो भारत के भूगोल के मेरे खुद के नोट्स थे। इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था से आते हैं 5 से 6%, इसके लिए भी साथियों आप मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर सकती आपको, क्योंकि मैंने कोई पढ़ी नहीं थी, और आप देख सकते हो 5% विश्व भूगोल के, 5 भारत के भूगोल के, और 5 राज्य व्यवस्था के, 15% ये हो गए, अब बचे 15%। 15% आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत की विदेश नीति जिसमें UNO भी शामिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से भी सेकंड ग्रेड में 1% आते हैं, तो इसके लिए इसमें से 14 से 15% इसमें से आते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था जिसमें 1919-1935 का अधिनियम भी शामिल है, और राष्ट्रवाद का उदय, जैसे पूरा ही हमारा स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो पूरा ही शामिल है इसमें, और इसके बाद की जैसे संसद के और वो सारी भारतीय राज्य व्यवस्था में इसमें शामिल है, और विदेश नीति और भारत की राज्य व्यवस्था, इससे 14 से 15% आ जाते हैं। तो 15 ये मान के चले, और 5 विश्व भूगोल, 5 भारतीय भारत का भूगोल, और 5 अर्थव्यवस्था, 15 और 15 30% ये हो गए साथियों, और 70 वहाँ हो गए थे, ये कुल हमारे 100% हो गए। और इसके लिए मैंने क्या पढ़ा था वो बता दिया, आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे विश्व भूगोल के लिए मैंने बता दिया, इसके ओझा सर की NCERT बेस पुस्तक आती है, भारत के भूगोल की देवरी सर ने निकाल रखी है एक नोट्स टाइप में, बहुत ही अच्छी किताब है, बच्चों द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, और राजस्थान का भूगोल की भी देवरी सर की किताब आई है, आप वो ले सकते हो अगर आपको ठीक लगे तो। आप किताबों की दुकान पर जाकर अच्छे से देखो, जो आपको सही लगे, आपके समझ में आए, वो बुक लेकर आप आओ। और अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो आपको किताबों के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्स में पूरा विस्तृत करवाते हैं, आप तो बस उन वीडियोज़ को बहुत अच्छी प्रकार से देख लो, समझ लो, और बना सको तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, ना बना सको तो फिर कोई बुक भी आजकल नोट्स टाइप में बहुत सारी बुकें आती हैं, आप वो ले सकते हो अंत में। और पीछे के प्रश्न पत्रों का आपको बहुत गहनता से अध्ययन करना है, देखना है कि किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसके साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करूं साथियों, तो इसके लिए राहुल चौधरी सर हैं जो अभी पीछे SI लगे हैं के आर मैया पाठशाला पर जो पढ़ाते थे, तो उनकी भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक तो पहले की आई हुई है और अब उन्होंने शायद राजस्थान की राज्य व्यवस्था की भी बुक भी निकाल दी। तो राहुल चौधरी सर का मैटर भी बहुत शानदार होता है, तो आप उनकी बुक ले सकते हो राज्य व्यवस्था के लिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल के ही हैं, पॉलिटिकली पढ़ाते थे, वैसे उनका SI में चयन हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको राज्य व्यवस्था के लिए मैं आपको वो बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब तो मेरी उनकी देखी हुई है, बहुत शानदार मैटर है। एक उनकी खासियत ये है कि वो हर एक टॉपिक के बाद लास्ट में अभ्यास के लिए प्रश्न देते हैं, तो उससे हम जब पूरे टॉपिक को पढ़कर वो अभ्यास वो प्रश्न करते हैं ना, तो तब हमारे हमें पता चलता है कि हाँ हमने उस मैटर को कितने अच्छे से पढ़ा है। अगर वो सारे प्रश्न हम कर पाते हैं तो हमने वास्तव में अच्छे से पढ़ा है, नहीं कर पाते हैं तो हम दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। तो आप वो किताब ले सकते हो राज्य व्यवस्था के लिए राहुल चौधरी सर की, ज्ञान वितान पब्लिकेशन से आती है। ये तो था साथियों मैटर, ये थे प्रश्न जो मैंने आपको बता दिए, इतने इतने इस हिस्से से आएंगे, 100% आएंगे, 40% वाली बाध्यता सेकंड ग्रेड में ख़त्म कर दी गई है, GK के लिए अलग से है नहीं बाध्यता। इन सब के बाद साथियों मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी, वो ये है कि आप एक तो 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो अभी हमारे स्कूलों में चल रही है, NCERT ही चल रही है, वो किताबें आप ज़रूर पढ़ें। वो किताब ज़रूर एक क्लास की 5 किताबें हो जाती हैं वो, लेकिन उनमें मैटर अगर आप उनको वो मैटर इकट्ठा करने बैठो ना आप, तो आप एक रजिस्टर में उनको समेट सकते हो, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत कम मिलेंगे आपको। वो बच्चों के हिसाब से, बच्चों को समझाने के हिसाब से वो मोटी बना रखी है, लिख रखी है बच्चों की भाषा में, और उनमें फैक्ट बहुत कम है। और प्रश्न पत्र बनाने वाला एग्जामिनर जो है वो प्रश्न वहीं से उठाता है, क्योंकि आपको उन्हीं किताबों को बच्चों को लगने के बाद पढ़ानी होती हैं। तो आप 6ठी से लेकर 10वीं तक की ये किताबें ज़रूर पढ़ें। हमारा राजस्थान की किताबें 8वीं तक तो बहुत ही पतली आती हैं, मैंने तो हमारा राजस्थान की पढ़ी थी, 6ठी से 10वीं तक की मेरे पास थी, इसके अलावा बाकी की किताबें मैंने बच्चों के लेकर पढ़ी थी। तो वो किताबें आप एक बार, मैं कहना चाहूँगी आप ज़रूर पढ़ें उन किताबों को, टाइम उनमें कम लगेगा, क्योंकि जो उसमें फैक्ट है वो बहुत ही कम है, बस वो किताबें ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, उसको आप या तो अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो उन फैक्ट को, या फिर अगर आप नोट्स बना सको तो उनमें से नोट्स बना लो। बाकी बहुत सारी किताबें पढ़ा भी रखी हैं, यूट्यूब चैनलों पर भी पढ़ा रखी हैं कईयों पर, जैसे नेवरी सर करवा रहे थे अभी हमारा राजस्थान की, तो वो भी आप वहाँ से भी क्लासें देख सकते हो। इसके अलावा 11वीं 12वीं में जो किताबें चलती हैं उसमें जो हमारे पाठ्यक्रम में जो टॉपिक है उनसे आप वो भी पढ़ सकते हो। 11वीं 12वीं किताबों में भी आप हमारे पाठ्यक्रम से जो टॉपिक मिलते हैं उनको ज़रूर पढ़ें आप, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं। और साथियों इसके अलावा आपको तय करना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम सबसे पहले आपके पास ज़रूर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।